इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली वैष्णव कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा की अपने ही घर के बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के वैशाली नगर में टायर व्यापारी की बेटी 19 वर्षीय प्रियांशी अपने कॉलेज जाने के लिए सुबह उठी थी। जैसे ही प्रियांशी घर की बाथरूम में पहुंची तो बाथरूम में गिर गई। जब प्रियांशी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो प्रियांशी की माँ बाथरूम में देखने पहुंची तो प्रियांशी बेसुध हालत में बाथरूम में पड़ी थी, जिसके बाद परिजन आनन फानन में प्रियांशी को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। मृतिका बताया जा रहा है कि वैष्णव कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहीं प्रियांशी के पिता का टायर का व्यापार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए परिजनों के पंचनामा के आधार पर पोस्टमार्टम करवा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्रा की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। मोबाइल से सूचना मिली थी, मृतिका प्रियांशी के पिता विपुल उम्र 19 साल निवासी वैशाली नगर इंदौर की मृत अवस्था में परिवार के लोग एमआईएच में लेके आए। सूचना पर हम इनके घटनास्थल पर गए, इनके परिवार के लोगों से मिले। उनने बताया कि सुबह कॉलेज जाने के लिए बच्ची नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। बाथरूम में जब बस आ गई और इसने दरवाज़ा नहीं खोला, घर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोलने पर दरवाज़ा धक्का लगा के छिचकनी खोल के देखा तो ये बेहोश थी। इसको लेके एमआईएच आए, तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। आज सवेरे 7:15 बजे घटना हुई, बाथरूम में गई नहाने और एकदम बेहोश हो गई। बुलाया तो डॉक्टर ने बोला एक्सपायर हो चुकी है। बड़ी हिम्मत करके ये डिसीजन लिया कि हमारी बेटी हमारे सामने आए। क्या नाम है? क्या करते हैं? ये भी कॉलेज में पढ़ रही थी फर्स्ट ईयर में। वैष्णव परिवार में कौन कौन? परिवार में ब्रदर है, पापा मम्मी दोनों। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।